हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और इस पनीर भुर्जी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस पनीर भुर्जी को कैसे बनाना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब बेसन, 2 बड़ा चम्मच मैंने लिया है। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। बेसन हमारा यहाँ पे अच्छे से भून चुका है, इसमें से एक धीमा धीमा सा खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पे इसे एक बोल में निकाल लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला 1 छोटी चम्मच के करीब, और 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, और 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे, जिसे मैंने थोड़ा सा तवे पर रोस्ट करके इस तरह से हाथ में मसल के डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मसाले में लम्स नहीं बनने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और 1/2 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो घोल है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, जिसे मैंने अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लिया है, और इसे मैंने गैस से उतारने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मसाले में इसे ऐड कर देंगे। तेल गर्म करने के बाद आप गैस से उतार लें, उसके बाद ही मिर्च पाउडर ऐड करें, नहीं तो मसाले मिर्च पाउडर जो है वो जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा पनीर भुर्जी का स्पेशल मसाला बन के तैयार हो गया है। रेस्टोरेंट या ढाबों पर ये मसाला जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखी जाती है, और ज़्यादातर पनीर की सब्ज़ी इसी मसाले में बनाई जाती है। तो अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, और 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि बटर जले नहीं, और बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक चॉप किया हुआ, और 1 बड़ा चम्मच अदरक, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। दोनों को हम कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 1/2 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा प्याज इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ, और इसे भी हम लगभग 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना ही हमें इसे भूनना है। तो लगभग 1 मिनट में यहाँ पे प्याज देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसे ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर को पतले पतले स्लाइसिस में कट करके डाले हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे टमाटर, ताकि हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और लगभग 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे टमाटर को भी भून लेंगे प्याज के साथ में। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, और जो हमने पनीर भुर्जी के लिए स्पेशल मसाला तैयार करके रखा है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जब तक कि इसके ऊपर तेल सेपरेट ना हो जाए। ये मसाला आप भी फ्रिज में बना के रख सकते हैं, और इस मसाले से आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और यहाँ पे देखिए मैंने मसालों को 2 मिनट लगातार चलाते हुए भूना है, और तेल देखिए इस तरह से सेपरेट हो गया है, और यहाँ पे मसालों का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लगभग 1/2 छोटी कटोरी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। यहाँ पे मैंने पनीर लगभग 1 किलो दूध का बनाया है, और ये क्वांटिटी में 1 कप से थोड़ा सा कम है। पनीर को डालने के बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और लगभग 2 मिनट हम इसे पकाएंगे लगातार चलाते हुए, हमें इसे कवर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसके ऊपर तेल आ चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर से 1 चम्मच के करीब बटर और ऐड कर रही हूँ, और 1/2 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पनीर डालने के बाद मैंने सब्जी को लगभग 2 से 2.5 मिनट पकाया है और यहाँ पे हमारा अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गया। इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक बार आप इस पनीर भुर्जी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। और इसे हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे कटे हुए धनिया से। और मैंने इसे सर्व कर रही हूँ आटे का कुलचे के साथ। आप इसे नान, पराठा या फिर इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।